हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई में बहुत सारी जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है। पर क्या आपको पता है, मुंबई में दो जगह ऐसी भी है जहां पर मेट्रो के साथ साथ गाड़ियों के लिए एक डबल डेकर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो आज हम उसी में से एक ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कहां बनाया जाने वाला है ये ब्रिज, उसके क्या विशेषताएं होंगी, उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और भी कई सारी बातें हैं इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, मुंबई के ट्रैफिक की अगर बात की जाए और हम लोग JVLR पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की बात ना करें, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसी ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट चलाने का ठाना था और उस पर अभी काम भी जोरों शोरों से शुरू हो गया है। पर यह मेट्रो लाइन बनाने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इस पर लगने वाले ट्रैफिक जाम में बहुत ज्यादा हद तक कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ पर एक डबल डेकर ब्रिज बनाने जा रही है, जिसमें लेवल 1 पर 4 लेन वाले ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 2 लेन जाने के लिए और 2 लेन आने के लिए होंगी और दूसरे लेवल पर मेट्रो चलाई जाएगी। आप सभी को तो पता ही होगा कि इसी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को वेस्ट तक ले जाने के लिए बड़ा साहब ठाकरे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर जोगेश्वरी वेस्ट तक जाता है। पर इसके निर्माण के वक्त इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिस वजह से इस फ्लाईओवर को आगे तक एक्सटेंड किया जा सके। तो अभी इसी फ्लाईओवर को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एक्सटेंड करते हुए महाकाली केव्स रोड तक ले जाया जाने वाला है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के बीच होगी। इस फ्लाईओवर का निर्माण बहुत साल पहले ही किया जाने वाला था, पर मेट्रो की अलाइनमेंट और डिलेज की वजह से इस पर काम किया नहीं गया। पर अभी मेट्रो के साथ साथ यह ब्रिज का भी निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अगर इसके बजट की बात करें तो इसके निर्माण में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदों की बात करें तो यह इस रूट पर किए जाने वाली यात्रा में से, जिस वजह से जो यात्रा अभी करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, वही यात्रा इस ब्रिज के साथ लोग सिर्फ 3 से 4 मिनट में पूरी कर पाएंगे। अगर हम अब इसके स्टेटस की बात करें तो अभी इसके निर्माण की शुरुआत की गई है और आने वाले 2 सालों में इसका काम पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें इसी तरीके से बनाए जाने वाले मेट्रो के दूसरे डबल डेकर ब्रिज के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे कौन से रूट है जहां पर सरकार ने मेट्रो के साथ साथ ऐसे डबल डेकर ब्रिज बनाने चाहिए थे, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।